ऑल राइट गाइस, कैसे हो गाइस? आई होप सब बढ़िया हो गाइस। तो आज आप सभी का स्वागत है फिर से एक और मेरे अनदर वीडियो में गाइस। तो आप सभी ने बताऊं वीडियो को मेरे को पता है क्यों क्लिक किया? क्योंकि भाई आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि भाई यार हमारा पांडा माउस प्रो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, और हम बताऊं मोबाइल से कैसे एक्टिवेट करें। और आपने थंबनेल पे भी यही देखा भाई, सिंगल पांडा माउस प्रो एक्टिवेट ऑन मोबाइल, राइट। और इसी बात पे आपने क्लिक किया थंबनेल पे और आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। और इसमें हम बताऊं वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे भाई कि आप कैसे अपने बताऊं मोबाइल से बताऊं पांडा माउस प्रो को एक्टिवेट कर सकते हैं। एकदम डिटेल वीडियो है भाई, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है आपने। और एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, क्योंकि तभी समझ आएगा भाई कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो भाई पांडा माउस प्रो को, ठीक है। तो मैं बिल्कुल डिटेलिंग में वीडियो बनाऊंगा। और हाँ भाई, ये मेरा थोड़ा गेम प्ले भाई, मैंने दोबारा खेलना शुरू किया पांडा मतलब कि कीबोर्ड माउस में। पहले मैं भाई पीसी में मोबाइल में खेलता था, मैंने छोड़ दिया था भाई कीबोर्ड माउस में खेलना। जब से मेरे बताओ चैनल पे इतने कमेंट आने लग गया कि भाई आप भी खेलो दोबारा भाई पीसी में खेलो, क्योंकि मैं भाई मोबाइल गेम प्ले अपलोड करता था और लोग मेरे को कहते थे भाई कीबोर्ड माउस में खेलो, इसलिए मैं खेलना शुरू किया है। तो मेरे गेम प्ले अभी थोड़ा सेट होगा थोड़े दिनों में, तो भाई एकदम सेट हो जाएगा, तो फिर भाई कीबोर्ड माउस गेम प्ले भी वीडियो आप डालेंगे चैनल पे। तब तक लिए आप अपना मोबाइल में कैसे एक्टिवेट कर सकते हो पांडा माउस, चलो देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताऊँ क्या करना है, आपने बताओ अपने सेटिंग मतलब कि आपने को बताओ एक हॉटस्पॉट चाहिए, बिना वाईफाई का हॉटस्पॉट होना चाहिए भाई, कोई नेटवर्क नहीं चाहिए भाई, फ्री में बंद भी हो तब भी हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने दोस्त से बताओ एक हॉटस्पॉट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अबाउट फोन पे क्लिक करना, अबाउट फोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे MIUI वर्जन लिख रहा है, ठीक है। MIUI वर्जन पे बताऊँ आपको बताऊँ 10 पर क्लिक कर रहा है, जैसे आपका डेवलपर ऑप्शन इज ऑन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद यहाँ पे जाना है अपने एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नीचे करते जाना है स्क्रॉल, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको बताओ डेवलपर ऑप्शन आ रहा है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बताओ यहाँ पे नीचे आना है थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको खोजना है क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है USB डबिंग को ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ओके करने के बाद ये थोड़ा डेंजरस आ रहा है, उतना कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या कहाँ क्लिक करना है आपको, सबसे पहले तो अपने किसी भी भाई बहन का हॉटस्पॉट लेना है, ठीक है, वहाँ पे लेके इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे वायरलेस डबिंग है, इसको भी भाई आपको अलो कर देना है, ठीक है। इतना अलो करने के बाद आपको मतलब कि यहाँ से रुको दो मिनट, ये अलो कर दिया, ठीक है, वायरलेस डबिंग को अलो कर देना है, ठीक है। सिंपल सा फंडा, कोई ज़्यादा रिस्क वोस्क नहीं है, ठीक है, रिस्क है ही नहीं भाई, ठीक है। आपको फिर उसके बाद तीन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, LEDV प्लेयर, पांडा स्क्रिप्ट पैचर, ठीक है, और पांडा माउस प्रो। यहाँ पे पांडा माउस प्रो को मैंने ऑन किया, ठीक है। यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है एक्टिवेट है, ठीक है, अभी एक्टिवेट है, मैंने एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है, गलती से। अभी यहाँ पे दिखेगा भाई नो एक्टिवेट, ठीक है। तो यहाँ पे नीड एक्टिवेशन, यहाँ पे लिख रहा है नीड एक्टिवेशन लिख रहा है, और अब आप बताओ एक्टिवेट और ये क्या कह रहा है भाई, मोबाइल से करो या USB लगा के करो, ठीक है। तो हमें इनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है भाई, मैं आपके लिए एकदम सही लगा दे। तो यहाँ पे आपको बताऊँ प्ले स्टोर से जाना है, यहाँ पे डाउनलोड करना है पांडा स्क्रिप्ट पैचर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और इसको ऑन कर लेना है भाई, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको बताऊँ क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना पैच, ठीक है, इसको बताऊँ क्या करना है। यहाँ पे दो मिनट यार ऐड आ गया, मैं कॉपी कर रहा था तो ऐड आ गया, ठीक है। तो ऐड आपको देख लेना है, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले बताऊँ अपने भाई बहन का बताऊँ हॉटस्पॉट ले लेना है, ठीक है। भाई बहन जिसका मर्जी मोबाइल है उसका हॉटस्पॉट लेके आपको हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सा नीचे मतलब कि आएगा अबाउट फोन में, वहाँ पे बताऊँ आपको एंड्रॉयड वर्जन MIUI वर्जन पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद वहाँ से बताऊँ डेवलपर ऑप्शंस 10 बार क्लिक करने के बाद डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद एडिशनल सेटिंग पे चल जाना, वहाँ से आपको डेवलपर ऑप्शन खोजना है, वहाँ से फिर आपको USB डबिंग ऑन करना है, फिर उसके बाद वायरलेस डबिंग ऑन कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं आपको इतना बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ से बताऊँ मैंने यहाँ पे एक क्लिप कॉपी भी कर लिया, ठीक है। क्लिप कॉपी कर लेने के बाद बताऊँ आपको क्या करना है, सिंपल सा बंदा है भाई, ज़्यादा कुछ मैं भाई एक्सप्लेन उतना भाई सही से नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लेना, फिर उसके बाद बताऊँ आपको बैक आ जाना, ठीक है। बैक कैसे आना है मैं भी वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे बैक आने के बाद बताऊँ तीसरा ऐप मैंने कहा था LEDV कनेक्ट, और ये भी बताऊँ ऐप डाउनलोड कर लेना है आपने, ठीक है, LEDV कनेक्ट, ठीक है। मैं आपको बताऊँ यहाँ से कनेक्ट करने के बाद बताऊँ आपको सिंपल सा इसको थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से इसको परमिशन दे देना है आपने, यहाँ पे इसका कहाँ है LEDV कनेक्ट, हाँ ये रहा, ठीक है। इसको बताऊँ ऑलो कर देना है, ठीक है, ऑलो ऑप्शन देके इसको बताऊँ छोड़ देना भाई जाए बाहर में, ठीक है। वो यहाँ से ऐड आ रहा है, इसको स्किप कर लो, स्किप कर लिया ऐड आपने।
और यहाँ पे बताऊँ आपको क्या करना है, फिर सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन पे खुद ही आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन के में, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलो स्क्रीन ओवरलेज ऑन सेटिंग, ठीक है, इसको ऑन कर लेना, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे फिर आपको LED वे में आना है, ठीक है। LED वे आने के बाद इसको फिर दोबारा ऑन कर रहा हूँ, ये रुको, यहाँ पे लिख रहा है कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 6 डिजिट का आपको पेयरिंग नंबर दिखेगा, ठीक है, 6 डिजिट का मैं नंबर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ गया, ये यहाँ पे देखो सेलेक्ट डबिंग पे आ रहा है, यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर देख लो, यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर लिख रहा है, कौन सा ही लास्ट वाला जो नंबर है, ठीक है, वो आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर है देख लो, नंबर देख लिया आपने, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ कि भाई आपको नंबर दिख ले, ठीक है, ये देखो इस नंबर से आपका हमारा पेयर होगा, ठीक है। तो ये नंबर मैंने याद कर लिया, 7 5 8 और 4 2 8, ठीक है। इस नंबर को बताऊँ आपने लिख लेना, और बताऊँ नीचे भी बताऊँ 5 डिजिट का पोर्ट नंबर कौन सा है नीचे जो दिया गया, ठीक है, यहाँ पे वो पोर्ट नंबर लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा देख लो दोनों नंबर हमने लिख लिया, ठीक है, और इसको बताऊँ पेयर कर लेना, ठीक है, ये वायरलेस पेयरिंग है। और इसको बताऊँ बिल्कुल आसान तरीके से भाई कर रहे हैं, जैसे जैसे एक एक स्टेप बताया उसे कर लेना, ठीक है। और एडिटर से कह के बताऊँ वो भी करवा लूँगा कि भाई आपको ऑप्शन भी दिखा दे, ठीक है, दोबारा कर लेगा, ठीक है, एडिटर को मैं कह दूँगा। इतना करने के बाद आपको पता लगे कि यहाँ पे लिखा है वायरलेस डबिंग कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था ना, इसको बताऊँ यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद देता हूँ फिर आपको देखो यहाँ से चालू हो गया, ठीक है, इतना कर लेना है, मैं थोड़ा सा पेस्ट पहले कर दिया, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको एडिटर बिल्कुल सही से बता देगा, फिर एक बार और पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे चल रहा है ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन चल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, अभी देखना एक्टिवेट होगा भाई, पूरा एक्टिवेट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर दो भाई, एक्टिवेट हो जाए, जितने बार तक ले नहीं होगा तब तक ले पेस्ट करते जाना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे शायद एक्टिवेट हो गया होगा हमारा, वहाँ पे लिख दिया भाई कनेक्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे देखते हैं अभी भाई, कोई कट नहीं है भाई, सिंपल सा वीडियो है, देखो यहाँ पे एक्टिवेट लिख दिया है। अगर आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन सही मिला है तो भाई आप लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मैं तो जा रहा हूँ कीबोर्ड माउस से गेम खेलने, बाय बाय।